वग्गो, चित्त वग अब आरंभ होने वाला है। तीसरा वग है धम्मपद का। धम्मपद दुनिया की सबसे ज्यादा जानी मानी, बिकने वाली, छपने वाली, सबसे पहले छपने वाली और हर भाषा में जानी हुई, और धम्मपद से पद लेके, उसके ज्ञान को लेके बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नाम से भी और धम्मपद के नाम से भी किताबें छपवाई। उसका जिक्र पूरे जीवन में होता रहता है, चलता रहता है। बाबा साहब ने बुद्धा एंड इस धम्मा में बहुत सारे धम्मपद लिए हैं। उसका जो तीसरा वर्ग है, यानी वर्ग है, सेक्शन है, उसको चित्त वर्ग बोलते हैं। चित्त एक बहुत अच्छा शब्द, साइंटिफिक शब्द कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसका कोई नाम नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। ये चित्त यहाँ क्योंकि अन्वेषण और यहाँ साइंटिस्ट खोज करते थे और उन्होंने ये जाना कि चित्त कैसे काम करता है और चित्त होता क्या है। आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा सुना होगा, चेत माई चेत, कहते हैं माई चेत। माई का मतलब माँ भी होता है, और कहते हैं कि चेत माई चेत का मतलब किसी को अगर जगाना हो, किसी को जागृत करना हो, तो उसको कहते हैं चेत माई चेत, यानी चेत जाओ, चेतना। चेतना क्या होता है? चेतना होता है जागृत होना, यानी कि जो चित्त है उसके अंदर चेतना आनी, उसके अंदर जानकारी का संचार होना, सम्यक सम जानकारी का संचार होना, अच्छी जानकारी का संचार होना, उसको चेतना बोलते हैं। इसलिए सेंटेंस चलता है चित्त की चेतना, या उसमें चेतना आ गई। कोई व्यक्ति अगर मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो कहते हैं कि इसकी चेतना चली गई, और अगर वो ठीक हो जाता है तो कहते हैं चेतना वापस आ गई। तो चेतना को सांस से और जीवन से भी जोड़ा जाता है, नाम है जो बाद में चलते गए और आते गए। चेतना और मन, यानी मन और चेतना लगभग दोनों का एक सा ही इस्तेमाल होता है, बहुत हल्का सा फर्क है दोनों के अंदर, मन और चेतना में। मन और चेतना और मस्तिष्क, ये तीनों चीज अलग अलग हैं, जिसमें मन और जो चेतना है वो लगभग एक सा है, और मस्तिष्क पूरी तरह से अलग है। मस्तिष्क बोलते हैं ब्रेन को, यानी जो हमारा ब्रेन है, जो हमें दिखाई देता है, जो हमारे हाथ में आ सकता है, जिसको हम तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, पीट सकते हैं, उसको ब्रेन बोलते हैं, उसको मस्तिष्क बोलते हैं। और जो मन है वो सॉफ्टवेयर है, जो चेतना है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, यानी कि मन और चेतना जो वेटलेस होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इसलिए ये अलग हैं, और मस्तिष्क हार्डवेयर होता है, इसको आप कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह समझ लें। चेतना जो चित्त वर्ग है वो बहुत मजेदार इसलिए है क्योंकि पूरी पाली साहित्य में दो चीजें इस्तेमाल की गई हैं, एक मन यानी मनोवृत्ति या मनोवृत्ति या मानसिक या मनोसिक, और एक चेतना, चेतीय, चेतीय, चेती, चेताती, बहुत सारे शब्द चेत से बने हैं। दरअसल चेतना से जो चेत से शब्द बने हैं वो ज्यादा है पाली के अंदर, और मन से जो बने हुए शब्द हैं वो कम है, क्योंकि चेतना बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर या एक शब्द रहा है। मन वग नहीं है पूरे पाली में, यानी धम्मपद के अंदर उन्होंने मन वग नहीं बनाया, जबकि पहली ही पहली गाथा मन के ऊपर है, जो धम्मपद की पहली सबसे इंपॉर्टेंट गाथा है वो मन के ऊपर है, मगर वग नहीं है। वर्ग यानी कि पूरा सेक्शन मन के ऊपर नहीं है, पूरा सेक्शन चित्त के ऊपर है। चित्त में और मन में जो थोड़ा सा फर्क है वो ये है कि चित्त एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर थॉट्स का बनता है। चित्त में क्या है, चित्त क्या चल रहा है, चित्त कैसा है, इसका चित्त ऐसा है, इसका चित्त वैसा है, मगर जब मन की बात करते हैं तो मन में एक हमारा इच्छा भी जुड़ जाती है, यानी कि एक राग या द्वेष या राग द्वेष जैसा कुछ उसके अंदर जुड़ जाता है तो मन बनता है। चेतना एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, इसलिए चेतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेतना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मन के बनने से पहले की अवस्था होती है। दोनों लगभग एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं, बहुत बाल बारीक बराबर डिफरेंस दोनों में है। जो लोग विपसना करते हैं वो समझ सकते हैं कि चेतना में, चित्त में और मन में दोनों में इतना छोटा सा अंतर है कि उसको साधारण आदमी बिना विपसना के समझने में बहुत कठिनाई महसूस कर सकता है, जबकि ब्रेन और मस्तिष्क तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कुछ शब्द हैं चित्त से बने हुए, चित्त प्रसिद्धि यानी चित्त की शांति, चित्त मृदुता चित्त की मृदुलता, चित्त विक्षेप यानी चित्त का विक्षेपण, चित्तानुपसना यानी चित्त की विपसना, चित्ता भोग यानी चित्त का जो हम भोग करते हैं, एक शब्द है चेतीय, चेतीय से ही बाद में चैत्य बना है। बेसिकली
चैत्य या चेतिया उसको बोलते हैं, जहां आप चित्त का अन्वेषण करते हैं, यानी चित्त को देखते हैं, चित्त को समझते हैं, चित्त को खोजते हैं, उसको चेतिया बोलते हैं। आज की डेट में चैत्य बोलते हैं, क्योंकि दो मात्राएं पाली में नहीं होती, इसलिए इसका नाम चैत होता है, मगर बाद में इसको चैत्य भी बोला गया। कुछ मोस्ट कॉमन यूज वर्ड हैं चित्त से बने हुए, जैसे चित्त चोर, कहते हैं बड़ा चित्त चोर है, चित्त को चुरा के ले गया। चिंतित, चिंता, चेत, चेतना, चेतिय गभ, चेतिय पब्बत, चेतिय अगन, यानी चेतिय आंगन। और जो चेतिय शब्द है जिससे चैत्य बने हुए हैं, उनको मन दर भी बोलते हैं। मन दर का मतलब है, दर माने दुख और कष्ट, मन माने मन के, जहां मन के दुख और कष्ट दूर होते हैं उसको मन दर भी बोलते हैं कॉमन भाषा में। बाद में लोगों ने इसको चैत्य और चेतिय कहना भूल गए और मंदर याद रखा, मंदर का बाद में मंदिर हो गया। चैत्य ही मंदिर है और मंदिर ही चैत्य है, जहां मन के कष्टों का अन्वेषण होता है और उसको देखते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा जिसमें बोलते हैं खेप, कहते हैं कि ये खेप आई, इस खेप का माल अच्छा है या खराब है, इस खेप में तो बहुत सड़ा हुआ माल निकला, अगली खेप आने वाली है बाजार में, या ये खेप तो बहुत ज्यादा घाटे में रही। खेप का मतलब एक ढेर या एक हीप जैसा होता है, जो पूरा कोई सामान आता है उसको खेप बोलते हैं। और खेप जो शब्द है बाद में जाके छेप बन गया, यानी कि इसको छेप करने लगे, पाली के अंदर इसको खेप बोलते हैं, और इससे ही बना चित्त खेप, यानी चित्त का फेंकना, चित्त के द्वारा उत्पन्न, चित्त खेप या चित्त विक्षेप। धन्यवाद।